हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में से दूसरा वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में भी मैं दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसमें से जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये AIPMT 2004 में पूछा गया है। AIPMT को करेंटली नीट के नाम से जाना जाता है। सो द क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 4 टू n इज इक्वल्स टू 1 इन अ हाइड्रोजन एटम। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कितनी होगी जब इलेक्ट्रॉन जो कि एक्साइटेड स्टेट में है फोर्थ ऑर्बिट में और वापस अपने ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट में जब आता है, तो वो जो एनर्जी एमिट करता है उस एमिटेड एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहला जो दिया हुआ है कि मेरा फोर्थ ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट पे आएगा। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है हाइड्रोजन की। और थर्ड दिया हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। सो लेट मी कैलकुलेट दिस। देखिए यहाँ पे चार ऑर्बिट की बात हो रही है, ऑर्बिट नंबर 4, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 2 एंड ऑर्बिट नंबर 1। अब ऑर्बिट नंबर 4th पे है मेरा इलेक्ट्रॉन जो कि अभी मेरा एक्साइटेड स्टेट पे है। यहां से ये ड्रॉप करेगा फर्स्ट ऑर्बिट पे जो कि इसका हो जाएगा ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट में जब ये आएगा डेफिनेटली कोई ना कोई एनर्जी तो एमिट करेगा। उसी एमिटेड एनर्जी की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी। यानी हमें जो एनर्जी पहले हमको कैलकुलेट करनी है वो चेंज इन एनर्जी होगा, दैट इज डेल्टा ई। डेल्टा ई का वैल्यू हमें बोहर एटॉमिक मॉडल से ही मिलता है, दैट इज -2.18 इंटू 10^-12 -18 इंटू 1 बाय, ये जो n का वैल्यू है ये है ऑर्बिट ऑफ द फाइनल, यानी जहां पे फाइनली इलेक्ट्रॉन आके ड्रॉप हो रहा है उसका स्क्वायर। और उसके बाद ये जो n का स्क्वायर कर रही हूं ये है इनिशियल ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन ने ड्रॉप होना स्टार्ट किया था। अब एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट कर लेती हूँ, अगेन -2.18 इंटू 10^-18, -18, फाइनली कहां पे ड्रॉप हो रहा है, 1 पे, 1/1 स्क्वायर। इनिशियली कहां से इसने ड्रॉप करना शुरू किया था, 4 पे, 1/4 स्क्वायर, यूनिट हो गया जूल। अगेन आई एम राइटिंग -2.18 इंटू 10^-18, तो ये हो जाएगा 1/1 -1/16। तो यहाँ पे इसमें एलशियम करना पड़ेगा, एलशियम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 ही मेरा डिनोमिनेटर पे आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, 15। तो 15/16 जूल। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2.18 इंटू 2.18 नहीं होगा, 2. लेट मी करेक्ट इट, माइनस साइन तो रहेगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी एमिट हो रहा है, 2.04 इंटू 10^-18 -18 जूल। इतनी एनर्जी एमिट करेगा ये इलेक्ट्रॉन जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पे आएगा। अब हमें इसका क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो मैं जरा इसको रब कर लेती हूँ, अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब इस डेल्टा ई के वैल्यू को हम इज इक्वल्स टू एच न्यू के फॉर्मूला में डाल लेते हैं। ई की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा ई। एच का वैल्यू हमें पता है, नीचे लिख देते हैं, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा ई का वैल्यू कैलकुलेट होके आया -2.04 10^-18, बट हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे कैलकुलेट करते वक्त, बिकॉज माइनस शोज दैट एनर्जी इज एमिटेड, प्लस होता यानी एनर्जी अब्सॉर्ब हुई होगी। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, दैट इज 2.04 इंटू 10^-18 -18 जूल। और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, दैट इज 6.625 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड। अब देखिए ऊपर नीचे से जूल कट जाएगा, फिर यहाँ पे हम इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा मेरा 10 वाला पोर्शन पहले कैलकुलेट कर लीजिए, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, इंटू 10^ हो जाएगा, ये 34 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये 16, सेकेंड ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स, और ये पोर्शन कैलकुलेट कर लेते हैं तो आ जाएगा 0.3078। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3.3
जीरो, सेवन कैरी हो जाएगा 1 8, तो ये हो गया 8 × 10^15 सेकेंड इनवर्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि पूछा गया था AIPMT 2005 में। इस क्वेश्चन में है द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -328 kJ/mol, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट शुड बी। यानी कि यहाँ पे हमें सेकेंड ऑर्बिट, एक्चुअली चार ऑर्बिट है, 3 4, n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी हमें दी हुई है और फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। पिछले क्वेश्चन में हमने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन होते वक्त डेल्टा ई निकाला था, तो यहाँ पे हमें हर ऑर्बिट की एनर्जी पता होनी चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या है या फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी क्या है। इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है जो कि बोहर एटॉमिक मॉडल से ही मिलता है, दैट इज En इज इक्वल्स टू माइनस रिडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 1 / n². अब ये n क्या है, जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, जिस ऑर्बिट की हमें एनर्जी चाहिए उसका वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे E2 हमें दिया हुआ है, E2 है -328 kJ/mol, निकालना क्या है E4, तो E2 is equals to this much, अगर इसको फॉर्मूला में डालें तो क्या हो जाएगा, -RH, n की जगह, ये जो यहाँ पे n है इसकी जगह क्या डाल देंगे, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4, सो -RH/4 is equals to, मैं ये भी कह सकती हूँ -328 kJ/mol। सिमिलरली मुझे E4 निकालना है, E4 का क्या हो जाएगा, -RH, 4 का स्क्वायर 16। अब E2 by E4 का एक काम करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। मैं जरा इस साइड को रब कर देती हूँ वरना मुझे स्पेस नहीं मिल पाएगा। E2 by E4, तो E2 मेरा क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज को पुट करूं, -RH/4 डिवाइड -RH/16, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा -RH/4 मल्टीप्लाइड 16 बाय -RH। अब देखिए यहाँ पे RH कट जाएगा, 4 4 16, मैं कह सकती हूँ E2 इज इक्वल्स टू 4 × E4, और E2 का वैल्यू है, मुझे E4 का निकालना है, तो बेटर होगा मैं करती हूँ E4 इज इक्वल्स टू E2/4। E2 मेरा कितना है, 328 / 4, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, मैं कैलकुलेशन पार्ट इस साइड लिखती हूँ, तो ये डिवाइड होके आ जाएगा -82 kJ/mol, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी। आई होप इट इज क्लियर, अगर फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिएक्शन ट्यूब, सी यू एट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन टाटा।